आज की ये वीडियो एक बहुत जबरदस्त गाड़ी की वीडियो है जो कि मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी। आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो चुका हूँ सुजुकी बोलान, जिसे कैरी डब्बा भी बोला जाता है और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पुराना मॉडल जो कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। 2023 और 24 का मॉडल इस वक्त मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। पिछले दिनों इसमें एसी वेरिएंट लॉन्च किया गया, उसको कंपनी को बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी सेल इतनी अच्छी नज़र नहीं आई। तो दोबारा से इसका एक वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है मार्केट के अंदर, जिसके हवाले से आपको बताऊंगा उसमें नई क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, नई अपडेट्स क्या हैं, नए ट्रेंड क्या आ रहे हैं और अपकमिंग इवेंट के हवाले से क्या न्यूज़ है आप लोगों को बताते चलूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अपकमिंग यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए खुशखबरी है इस गाड़ी के रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो अनकरीब बहुत जल्द आपको पाकिस्तानी मार्केट में नज़र आने वाली है। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो चीज़ आपको पता चलेगी, क्योंकि मैं कहीं भी वीडियो के अंदर वो बात बता सकता हूँ, तो इसलिए वीडियो को देखना पूरा है। गाइस यहाँ पर अगर चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। अगर क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर सुजुकी बोलान को लेकर, जिसको हम कैरी डब्बा भी कहते हैं। आजकल की इसकी लेटेस्ट प्राइसेस क्या चल रही है पहले वो बताता चलूँ। 19,40,000 रुपये इस वक्त इसकी नई कीमत चल रही है मार्केट के अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएंट आ रहा है पेट्रोल के साथ, मैनुअल वेरिएंट आ रहा है और ये 800 सीसी गाड़ी है। इसके अंदर जो इंजन लगाया हुआ है वो पुराना मेहरान का जो इंजन आता था वही इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो जिन लोगों ने मेहरान चलाई है, स्पेशली मैंने खुद भी मेहरान चलाई हुई है, तो वही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर इस गाड़ी में नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ चलाने के हिसाब से अगर हम बात करें। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को बताते चलूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो एवरेज आपको मिल जाती है वो तकरीबन आपको 15 तक एवरेज मिल जाती है और 15 से 17 के दरमियान आप कह सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट रूट पे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मजीद इस गाड़ी के रिलेटेड में कुछ बातें करूँ तो इसमें जो कलर ग्रेडिंग की बात कर ली जाए, एक तो सॉलिड वाइट आ रहा है जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें पर्ल रेड कलर भी एक आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग कलर है यार और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं उस कलर को। एक इसमें सिल्की सिल्वर कलर भी आ रहा है, तो वो भी आप चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा इंटीरियर जो है ना इसका, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको अनोइंग नज़र आता होगा और इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होता है, स्पेशली एक्सटीरियर पे भी होता है, लेकिन इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है कि यार ओल्ड शेप है, इतना ओल्ड शेप है कि जो हमें पुरानी वैगनों में देखने को मिलता था 90s की वैगनें जो आजकल भी शायद कहीं कहीं आपको नज़र आती होंगी, उन्हीं वैगनों वाला इंटीरियर इसके अंदर बनाया गया है। कोई AC फिटिंग नहीं है, कोई आपको लग्जरी ऑप्शन नहीं मिलते, पूरा एक जो है ना थर्ड क्लास किस्म का यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है। लेकिन खुशखबरी की बात ये है कि आप लोगों के लिए आगे जो है वो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है सुजुकी की जानिब से, जो जल्द ही आपको मे बी पॉसिबल है 2023 के एंड में मिल जाए या 2024 के अंदर आपको देखने को मिले। अगर हम वर्ल्ड वाइड उस मॉडल के बारे से बात करें तो दुनिया के अंदर जो मॉडल माना जाता है जिसको कैरी के नाम से भी लॉन्च किया जा रहा है, एवरी के नाम से भी पाकिस्तान में आ रहा है और वो मतलब इम्पोर्ट हो रहा है और लोग यूज़ कर रहे हैं, तो गाइज वही मॉडल जो है उम्मीद की जा रही है कि 2023 के एंड तक पॉसिबल है कि पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए या फिर 2024 के अंदर उसको लाजमी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर। सुजुकी की जानिब से ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक श्योर हो चुकी है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि ये मॉडल जल्द ही मार्केट में आ जाएगा। उसकी प्राइस के रिलेटेड बात कर ली जाए तो तकरीबन वो 25 लाख से लेकर 30 लाख के दरमियान होगा, यानी कि 2.5 मिलियन से 3 मिलियन के दरमियान जो है उसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, जिसमें AC भी होंगे और साथ साथ AC के साथ साथ AC वेंट्स होंगे फ्रंट पे भी बैक पे भी और बहुत अच्छा डिज़ाइन के साथ साथ लग्जरी जो है ऑप्शन भी देखने को मिल सकती हैं, तो उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स भी आ सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर एक्साइटिंग चीज़ें हैं हो सकती हैं सुजुकी की जानिब से, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, वो 2023 के एंड तक या 24 तक आपको पॉसिबल नज़र आएगा। इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद बात कर ली जाए तो आप लोगों को बताया चलूँ कि इसकी डायमेंशन की कुछ बात कर लेते हैं। तो लेंथ आपको मिलती है 3255 की और विड्थ आपको मिल जाती है 1395 की और यहाँ पर हाइट मिलती है 1845 की। इसको मिनी वैन या वैन भी बोला जाता है, जैसे कि कैरी डब्बा भी हम इसको कहते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 140 की मिल जाती है, 796 cc ये गाड़ी जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, 37 की हॉर्स पावर और 62 की टॉर्क बनाने की सलाहियत रखती है। इसका जो वेट है वो 550 kg है, पेट्रोल गाड़ी है और एवरेज में आपको बता चुका हूँ फ्यूल टैंक की बात कीजिए 36 लीटर है। अच्छा इसके अंदर ना यार एक चीज़ बड़ी मज़ेदार मुझे लगती है वो ये है कि यार स्मॉल फैमिली के लिए या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस हिसाब से कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा बैठ सकते हैं। इसकी हालांकि सीट्स बिल्कुल ही बेकार है अंदर से, लेकिन अगर आप इसके आफ्टर सेल मार्केट से सीट्स वगैरह इंस्टॉल करा लें तो बहुत ही अच्छा जो है ना आपको अंदर व्यू प्रोवाइड कर देती है। उसके साथ साथ यहाँ पर इसको जो लोग यूज़ करते हैं 10-10 बंदे भी इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। अगर आप इसके एक साइड पे
सीट बड़ी लगवा दें और दूसरी साइड पे सीट बड़ी लगवा दें, तो पांच पांच बंदे दोनों साइडों पे बैठ सकते हैं। मतलब आराम से इस गाड़ी के अंदर 8-10 बंदे बड़े आराम से सरवाइव कर सकते हैं। और हमने देखा भी है, स्कूल वैन के तौर पे भी इसको यूज़ किया गया, कॉलेज वैन के तौर पे भी, ट्रिप के तौर पे भी, और बहुत सारे पर्पजेज के लिए इस गाड़ी को यूज़ किया जाता है। और ये स्पेस के मामले में बहुत ज़बरदस्त है, लगेज वगैरह लेके जाना है या फिर इसको डिलीवरी के लिए यूज़ करना है, हर पर्पज़ में ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सामने आती है। तो इस चीज़ में भाई ये इसका कोई भी कंपेटिटिव नहीं है मार्केट के अंदर, इतने सस्ते के अंदर आपको इतनी स्पेस किसी गाड़ी में नहीं मिलती। यहाँ पर बात की जाए टॉप स्पीड को देखकर, तो 120 तक ये चली जाती है मैक्सिमम, 1:45:5 R12 का जो इसका टायर साइज दिया गया। अच्छा, जैसे मैं बात करता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर कि हर गाड़ी के अंदर कुछ फ्लॉज कुछ बैक एंड से नज़र आते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, तो कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है। चाहे आप 5 करोड़ रुपये की गाड़ी ले लें या फिर 5 लाख रुपये की गाड़ी ले लें, परफेक्शन आपको किसी गाड़ी में भी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको फ्लॉज नजर आएंगे, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में एडवांटेजेस नजर आएंगे। सबसे पहले इसके फ्लॉज की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्लॉज जानना हर बंदा चाहता है। तो बात कर लीजिए इसके फ्लॉज को लेकर, जैसे ही ये हाई आरपीएम पे जाती है तो भाई आप इसकी हालत देख सकते हैं, तो हाई आरपीएम पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करती, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। आप तकरीबन 100 के आसपास जब जाते हैं तो गाड़ी जो है वो भाई डगमगाने लगती है, तो मैक्सिमम ये 100 तक आप इसको चला सकते हैं। उसके साथ बेसिक इक्विपमेंट कोई भी नहीं है इसके अंदर, सेफ्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अलावा भी कोई बेसिक इक्विपमेंट इंटीरियर में एक्सटीरियर में आपको देखने को नहीं मिलता। उसके साथ अनकंफर्टेबल राइड मिलती है भाई, बहुत धक्के लगते हैं इस गाड़ी के ऊपर। अगर आप करोड़ सही नहीं है तो भाई फिर आपको लग पता जाएगा कि ये गाड़ी आपको जैन छठी का दूध याद दिला देगी। तो इस तरह की कंडीशन इस गाड़ी में हो जाती है, तो मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि लॉन्ग रूट पर आप लेके जाएँ। हाँ, शहर के अंदर आप वो एक काफ़ी रिजनेबल ऑप्शन हो सकती है। सेफ्टी फीचर जैसे मैंने बताया इसमें बिल्कुल ही नहीं है, और इसकी पुरानी शेप चल के आ रही है जो अभी तक वही इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। अब होप एक लग गई है कि भाई नया मॉडल आने वाला है जो मार्केट में एक नया चेंज और नए तरीके से जो पाकिस्तानी मार्केट को इनकरेज करने वाला है। सो गाइस, इसके फेवर में अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो मोस्टली आपको चीज़ नज़र आती है, एक तो अच्छी एवरेज मिल जाती है, दूसरा इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आसान है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसान होने के साथ साथ पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं। इतने सस्ते हैं कि आपको बाइक के रेट के अंदर, बाइक की यानी कि बाइक की रिपेयरमेंट में जो आपको रेट लगता है उसी रेट के अंदर आपको यहाँ पर इस गाड़ी के पार्ट्स मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, और स्पेशली इन बहुत सारे केसेस के अंदर बाइक पार्ट्स से भी ज़्यादा सस्ते आपको इस बाइक गाड़ी के जो है पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो पार्ट्स के वाले से भी काफ़ी एक रीज़नेबल गाड़ी है, रिपेयर मेंटेनेंस आसान है, रीसेल बहुत अच्छी है, हाथों हाथ बिक भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज नज़र आती हैं। अगर मैं फाइनल एक रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मेरे हिसाब में एक वो फैमिली जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो सिटी के अंदर गाड़ी चलाना चाहते हैं या फिर इसको ऐसे कमाई के तौर पे स्कूल वैन कॉलेज वैन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही एक ज़बरदस्त ऑप्शन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है। और इससे बेस्ट ऑप्शन और सस्ता ऑप्शन आपको मार्केट में इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं मिल सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सुजुकी बोलान, और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट हो तो नीचे दीजिए, और रेड बटन दबा दीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।